थोड़ा सा माल सर। अरे क्या है, ऐसा मत बोला, इन लोगों ने चढ़ाया। हाँ हाँ सर, हाँ नहीं सर, जरा पानी का भी ये ले लो, पानी का ले लो जरा। हाँ बहुत काम किया इन लोगों ने यहाँ पर, पीएमसी वालों का शुक्रिया। यहाँ के जो स्थानीय लोग रहने वाले हैं उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जितने सारे अनुपम सर, एक बार इस तरफ आ जाओ, पहले आना सर, लुक किया जी सर, जी सर। आई थिंक ये जो बीएमसी की मुहिम है, ये 340 पेड़ जो इस एरिया में गिरे थे उनको वापस खड़ा करना ना केवल हमारा कर्तव्य है बल्कि हमारा धर्म भी है। और नॉट ओनली एज ए सेलिब्रिटी बट एज ए रेजिडेंट और एज ए सिटीजन ऑफ दिस कंट्री और दिस सिटी, इट्स अ ड्यूटी ऑफ एवरीबडी टू प्लांट। हम चूंकि लोगों की नज़रों में होते हैं, लोगों फिल्में किए हैं, तो इसलिए कभी कभी शायद प्रेरित होकर लोग हमारे तरह काम करें। बट इस खासकर इस एरिया की खासियत ये है कि आप पेड़ जो हैं ऐसा महसूस नहीं कराते हैं कि आप मुंबई में रह रहे हैं, सबसे बड़ी बात यह है। एंड जितने ज़्यादा लोग हैं, अगर 340 पेड़ गिरे हैं तो कम से कम 680 पेड़ तो लगने चाहिए। और हमारे विश्वास मोटे जी जो यहाँ पर इस एरिया के असिस्टेंट कमिश्नर हैं बीएमसी के, एंड द रेजिडेंट्स ऑफ दिस प्लेस एंड द काउंसलर मैडम ऑफ दिस प्लेस हैव डन ए ग्रेट इनिशिएटिव। हमारे को क्या फ़र्क पड़ता है, हमको आना चाहिए सामने बढ़ आके, अपने हाथों से मिट्टी लगानी चाहिए। ये बेशक सिंबॉलिक जेस्चर है बट ये सिंबॉलिक जेस्चर लोगों को प्रेरित करेगा कि इस तरह का काम किया जा सके। आपके घर के सामने भी एक बहुत बड़ा पेड़ था जो गिर गया था और अनिल कपूर जी वहाँ पर आए थे जी 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 जी, इसी तरह की एक मुहिम में। जी जी जी, सबको आना चाहिए, अभी अनिल को भी आना चाहिए, नॉट ओनली इन दिस एरिया, आई एम रेडी टू गो टू इन एनी अदर एरिया जहाँ पेड़ गिरा है। ये क्षेत्र बेशक मेरा है मगर ये सिटी मेरी है, ये कंट्री मेरी है, तो इस एरिया में कहीं भी विश्वास भी आपको अगर मेरी ज़रूरत पड़े तो हमारे रहते हुए अगर लोगों को इसका प्रोत्साहन मिले तो बहुत अच्छी बात है। अगर फाल किसी के अंदर डालेगा ना तो उसके छेद हो जाएंगे छाती में। यार लगाया तो मैंने आज तक नहीं कर पाया था, एक फोटो चलो थैंक यू। चलिए हो गया भाई।